हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कटंगी से तिरोड़ी के मध्य बनने वाली नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के बारे में। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह बिलासपुर जोन के नागपुर डिवीजन का मैप है, जहां इस कटंगी से तिरोड़ी के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ नीचे की ओर जो हरे कलर में रेलवे लाइन दिख रही है, यह गोंदिया से नागपुर की ओर जाती है, जिसके मध्य तुमसर जंक्शन रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहां ब्लैक कलर में तुमसर से तिरोड़ी रेलवे लाइन है, और राइट साइड में ऊपर की ओर गोंदिया से बालाघाट होते हुए जबलपुर की ओर ब्लू कलर में रेलवे लाइन है। यहां बालाघाट जंक्शन से कटंगी की ओर ब्लैक कलर में रेलवे लाइन जाती है। इस कटंगी से तिरोड़ी के मध्य पहले किसी भी तरह की रेलवे लाइन नहीं थी, जिसमें लोगों द्वारा लंबे समय से एक रेलवे लाइन बनाने की मांग की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति सन 2011 में मिली, पर इसमें कार्य का प्रारंभ सन 2018 में हुआ, जिसमें लगभग 186 करोड़ का बजट रखा गया। इस रेलवे मार्ग की लंबाई लगभग 15 से 16 किलोमीटर है, जिसमें 7 बड़े व 34 छोटे रेलवे पुलों का निर्माण किया जा रहा है, और एक रेल ओवर ब्रिज कटंगी स्टेशन के पास बनाया जा रहा है। तिरोड़ी स्टेशन में बालाघाट जिले का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 450 मीटर होगी, जिसमें 60 डब्बों की मालगाड़ी और 24 डब्बों की पैसेंजर ट्रेन को आसानी से खड़ा किया जा सकेगा। इस तिरोड़ी स्टेशन में पहले रेलवे ट्रैक की संख्या 3 थी, जो अब बढ़कर 4 हो जाएगी। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, जहां रेलवे पटरियों को लाया जा रहा है, जब कटंगी से तिरोड़ी के मध्य रेलवे ट्रैक को पूरी तरह बिछा लिया जाएगा, तो इसमें साथों साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य किया जाएगा। इस कटंगी से तिरोड़ी के मध्य रेल मार्ग बनने के बाद बालाघाट से तुमसर के मध्य इस नए रेल मार्ग को गोंदिया से नागपुर के समांतर बाईपास मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा, जिससे गोंदिया से नागपुर के बीच ट्रेनों के ट्रैफिक को काफ़ी कम किया जा सकेगा, और इस बालाघाट से तुमसर के मध्य जबलपुर नैनपुर से आने वाली ट्रेनें, जो कि नागपुर की ओर जाएगी, जिसे बालाघाट से तुमसर होते हुए सीधे नागपुर की ओर ले जाया जा सकेगा। इस कटंगी से तिरोड़ी के मध्य बनने वाले नए रेल मार्ग को कंप्लीट करने का टारगेट अगस्त 2020 रखा गया था, पर अब इसका टारगेट बढ़ाकर अगस्त 2021 कर दिया गया है। यह थे वीडियो कटंगी से तिरोड़ी के मध्य बनने वाले नए रेल मार्ग को लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।